और रूस की वॉर स्ट्रेटजी को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। वॉर जोन में रूसी फौज की सबसे नई रणनीति का खुलासा हुआ है। फ्रंटलाइन पर सुसाइड टैंक का इस्तेमाल, जी हां, इस टैंक से तबाही मचा रहा है रूस। यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। नया प्लान रूसी सेना के लिए चुनौती बन चुका है। तो सुसाइड टैंक का इस्तेमाल रूस की तरफ से। और चलिए अब आपको हम विस्तार से बिग बॉल के माध्यम से समझाते हैं कि रूसी फौज का सुसाइड टैंक प्लान या ये स्ट्रेटजी दरअसल है क्या, इसके तहत किस तरीके से नुकसान यूक्रेन को पहुंचा रहा है रूस। तो सुसाइड टैंक से तबाही, जी हां, T-54 टैंक का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बहुत सारा एक्सप्लोसिव विस्फोटक भर दिया जाता है। ये टैंक पुराने हैं जो कि बैटल ग्राउंड में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। 6 टन तक विस्फोटक से ये लैस रहता है और रिमोट से पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, यानी कि इसे मैन्युअली वॉर में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। टैंक यूक्रेनी ठिकाने तक जाते हैं और यूक्रेनी सैन्य अड्डों के पास जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होता है, धमाके के साथ उड़ जाते हैं और यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करते हैं। नए प्लान पर रूसी सेना का दावा, सुसाइड टैंक पूरी तरह से कारगर है और युद्ध में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए, दावा है रूस का। और इधर यूक्रेन के कई इलाकों में महामारी का भी खतरा देखने को मिल रहा है। जिया काकोका डैम तबाही के बाद यह खतरा बढ़ा है। बाढ़ वाले इलाकों के लिए विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जल भराव के बाद से यहां पर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो डैम की तबाही के बाद से महामारी का यह खतरा है और यह चेतावनी दी गई है। क्या बड़ी बातें इसमें कही गई हैं, क्या बड़े फैक्ट सामने आ रहे हैं? तो खेरसोन से काकोका डैम तबाह होने से यूक्रेन पर यह बड़ा खतरा है। डैम की तबाही के बाद बहुत बड़े इलाके में महामारी का खतरा बढ़ गया है और मैकोलेव रीजनल सेंटर ने यह अलर्ट जारी किया, यह चेतावनी जारी की है। डैम टूटने के बाद पानी में मिला कॉलरा जैसा बैक्टीरिया और इससे बीमारी का खतरा बढ़ा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो इसमें नहाने ना जाएं, फिशिंग नहीं करें, इस पानी का इस्तेमाल ना करें ताकि वो इस महामारी से, इस बीमारी से बचें। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से लोगों की जान को भी खतरा है। तो ये सारी चेतावनियां जारी की गई हैं लोगों के लिए। एक नया खतरा यूक्रेन के सामने है।